राबा हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सिरसा से गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गोकुल सेतिया ने इसके बाद बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करना मेरा लक्ष्य है, कांग्रेस टिकट देगी तो जरूर चुनाव लड़ूंगा, सिरसा की जनता बदलाव चाहती। सिरसा से कांग्रेस में शामिल हो गए गोकुल सेतिया, जिसके बाद उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करना मेरा लक्ष्य है, कांग्रेस टिकट देगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगा, सिरसा की जनता बदलाव चाहती। हमारे साथ गोकुल सेतिया जी मौजूद हैं। सर, आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, किन किन नेताओं ने सर कांग्रेस में आपको शामिल कराया? यहाँ पे अजय माकन जी ने, दीपक बावरिया जी ने, बड़े हुड्डा साहब ने और उदय भान जी ने ज्वाइन कराई है। सर, अब क्या कुछ रहेगा सर, क्योंकि चुनाव का समय है और सिरसा में काफी मजबूती के साथ आपने 2019 में भी चुनाव लड़ा था, क्या क्या बातें हुई सर कांग्रेस में जाने से पहले? कांग्रेस में हालांकि आप शामिल हो चुके हैं, आप देखिए बातें यही हुई कि हमारे एरिया की किस प्रकार से डेवलपमेंट हो, जो कि एक नेग्लिजेंसी हमारे एरिया के साथ हो रही थी इतने सालों में, जो एक इग्नोर एरिया को किया जा रहा था, तो उस पर बैठ के डिस्कशन हुई थी कि आपकी पार्टी में तो आ रहे हैं पर कहीं सिरसा पीछे ना रह जाए, सिरसा को उसके हक चाहिए और सिरसा को हकों की लड़ाई मैं हमेशा लड़ता आया हूं और वो ही हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आज मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं कि बढ़ चढ़ के हम सरकार में आएं और अपने एरिया के काम कराएं। सर, हलोपा और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, किस तरीके से देखते हैं सिरसा से विधायक है गोपाल कांडा, और विकास कार्यों की भी आप बात करें, कितना विकास कार्य है सिरसा में देखने को? वो तो एक कंपनी है दो भाइयों की, उसको आप पार्टी नहीं कह सकते, और वो कंपनी है उनकी कि उनको तो ये है कि बस उनका दाव लगना चाहिए, उनका निजी स्वार्थ जो है वो पूरा होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनको अपने नज़दीक लगाकर राज़ी नहीं है। अगर इतना ही होता तो कहीं ना कहीं असर हमारे इलाके के अंदर डेवलपमेंट में तो दिखता, कुछ विधायक जी का खुद का भी इंटरेस्ट नहीं था और कुछ फिर जब मांगोगे नहीं तो फिर मिलेगा क्या, तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं दिया। सर, क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि 2019 में आप चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए उम्मीद है, उम्मीद पर सारी चीज़ें टिकी हैं, उसी उम्मीद से पार्टी ज्वाइन की है। बहुत बहुत धन्यवाद खबरें अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे गोकुल सेतिया जो कि आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सिरसा में कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती मिलेगी और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धवान की बात करें, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन की बात करें, या फिर प्रभारी दीपक बाबरिया की, उनकी अध्यक्षता में आज इन्होंने बड़ी ज्वाइनिंग दिल्ली में की है। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।